जी बच्चे, इसमें क्या है हमारे पास? देखो बेटे, हमारे पास क्या है, आप इसमें सीधा सीधा एलसीएम ले लीजिए पहले तो जी। अगर आप इसमें एलसीएम लेंगे बेटे तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा 144 प्लस एक्स अपॉन 144 इज इक्वल्स टू 13/12, ठीक है। ये पास अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे या स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, क्या कर दीजिए स्क्वायरिंग। तो अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे बेटे तो कुछ ये ऐसे नजर आएगा 144 प्लस एक्स अपॉन 144। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे 169 और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, तो आप कैंसिल कर दो बेटे इसको, ठीक है। इसको बेटे कैंसिल कर दीजिए आप, x इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 169 माइनस 144 कितना आ गया बेटा जी। सर इसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग करके करेंगे हम। हाँ बेटा, मतलब ये है कि हमें सिंपलीफाई करना है, स्क्वायर रूट लेके भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है। कि हमें ये देखना था कि हमारे पास 44 को 12 से कैंसिल करना है, कुछ इस तरह से सॉल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं वो देखना है। मतलब आप इसको चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं लेना चाहूँ बेटे स्क्वायर रूट लिया हुआ है तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट तो आ नहीं रहा है ना, लेकिन नीचे वाले का स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है। तो 12 से 12 क्या हो गया, अब एक तरफ स्क्वायर रूट है एक तरफ नहीं है, तो उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? तो वो तभी कर सकते हैं जब बेटे स्क्वायरिंग होगा, स्क्वायर रूट हटेगा। जी चमन भाई मैं करता हूँ आपको कॉल, ठीक है। अभी क्लास ले लूँ उसके बाद आपसे बात करता हूँ जी, मैं करता हूँ। नेक्स्ट बोलो बेटे सर। 25 बेटे, अच्छा देखो आपके पास क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 1354, 1866, 2762, लिविंग द सेम रिमाइंडर 10 इन ईच केस, ठीक है। अब यहाँ आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि आपके पास हो क्या रहा है। आपसे कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 1354, 1866, 2762 को ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा जो इनको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड टू दीज नंबर, और हर बार जो है रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये आपको सोचना पड़ेगा। पहली बात तो ये बताओ मुझे, जो नंबर डिवाइड करता है उसे हम कहते क्या है भाई? जो नंबर डिवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं? डिवाइजर या फैक्टर कहते हैं, या हम फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा तो आप कहेंगे ग्रेटेस्ट डिवाइजर, जीसीडी आपने सुना था, या हाईएस्ट फैक्टर, ठीक है। और जब एक से ज्यादा नंबर को डिवाइड कर रहा होता है तो उसे कहते हैं कॉमन। तो इसका मतलब आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो बेटे ये देखना है कि आपको करना क्या है। तो मुझे इन तीनों नंबर्स का HCF निकालना है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या दे दी कि ये पूरे नंबर्स फुल्ली डिविजिबल नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल नंबर नहीं है बेटे। हर केस में आपके पास रिमाइंडर आ रहा है, कितना रिमाइंडर आ रहा है 10। तो इसका मतलब ये, अगर ये डिविजिबल नहीं है तो आप इन सब में से 10 माइनस कर दीजिए बेटा, जो एक्स्ट्रा पार्ट है। अगर 10 आप माइनस करेंगे तो एक आ जाएगा बेटे 1344, और एक आ जाएगा आपके पास 1856, और एक आ जाएगा बेटे 2752। अब ये तीनों नंबर डिविजिबल होंगे तो अब आपको इनका HCF लेना है। आ गया आपको समझ में? जी सर। तो आप इनका HCF ले लीजिए। अब HCF कैसे लेते हो आप, अगर आपको याद हो? 30, 44 और ठीक है 1856 और 2752, इनका HCF आप कैसे लेते हो? HCF ले सकते हो। दो मेथड होते हैं यहाँ पे HCF, चाहे फैक्टराइजेशन से ले लो चाहे डिवीजन से ले लो, चॉइस आपके, जैसे आप लेना चाहो। फैक्टर से तो आपने लिया होगा 1344, ठीक है, कॉमन फैक्टर जो प्राइम नंबर से लेते हैं, एक तो वो तरीका है। बड़े से बड़े नंबर से भी आप डिवाइड शुरू कर सकते हो। अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर है तो हम 8 से अगर ले लें, सपोज करो 8 × 1 = 8, लाइक दिस। आपके पास 856, अब आप देख लो कॉमन क्या आ रहा है। उफ, हमारे पास 16 आ रहा है बस। 64 क्या क्या था आपके पास? 64, 124, 126, 64 इसमें क्यों नहीं आया सर? 64 जी जी सर, 64 सर। आपने सर वो 1344 को सर वहाँ पे उसका फैक्टर गलत हो गया, वही देख रहा हूँ मैं भी। क्या हुआ हमारे पास? 8 × 1 = 8, 554, 64। फिर हमने 2 से कर दिया है ना, 2 से नहीं करना सर, वहाँ पर 8 आना है ना। अब सही, आपको बस यही कॉमन। भाई एक तो तरीका बेटा ये होता है प्राइम फैक्टर से, एक तरीका और होता है अगर आप डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड क्या होता है कि जो हमारे पास कोई भी एक नंबर ले लीजिए, उससे दूसरे को डिवाइड करिए, ठीक है, उससे आप दूसरे को डिवाइड करेंगे। 1 टाइम चल रहा है बेटा, रिमाइंडर आएगा, इससे डिवाइड करिए। जो आपके पास रिमाइंडर आएगा उससे आप डिवाइजर को डिवाइड करें, तो 512 का टेबल चलेगा 2 टाइम, कितना आ जाएगा? 1024, 440, 422, 820। फिर आप डिवाइजर को डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर आएगा उससे, इससे करना होगा। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड आपको इजी लग रहा है और कौन सा जल्दी से फास्ट कर रहा है। जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो उस नंबर को हम उन दोनों नंबर का HCF कहते हैं। अब इसमें भी हुआ क्या कि हमारे पास अभी एक नंबर और बचा है, दूसरा नंबर हमारे पे एक नंबर और क्या बचा है? 2752। अब आप इस वाले फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि या तो यही HCF आएगा यानी कि इससे डिविजिबल हो जाएगा, या फिर इससे भी कम नंबर आएगा 64 से भी, क्योंकि इन दोनों का HCF तो 64 है, बट क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में ही 64 अवेलेबल है और 64 से नीचे कोई है नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा बेटे तीनों नंबर। तो एक तरीका ये भी होता है डिविजन मेथड, बट आई थिंक जो हमारा फैक्टर वाला है उसी से हमारा जल्दी आ गया, तो वही ज्यादा बेटर लग रहा है। और बोलिए और कौन सा है सर? क्वेश्चन 19। अच्छा, ये क्वेश्चन गलत है बेटे मेरे हिसाब से, क्योंकि रूट 3/3 तो 1 हो गया ना, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। वन आ रहा था तो उससे तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, वो रूट 3/3 नहीं होगा, बल्कि ये होना चाहिए बेटे 3/√3 तो हो सकता है, लेकिन 3/√3 भी पॉसिबल नहीं है। देखो ये कुछ ऐसा होना चाहिए था जैसे हमने लास्ट क्लास में भी करा था कि भाई हमारे पास है √24, ठीक है। अब √24 को उसने दिया है 4.8999, कुछ लाइक इस तरह से करके दे दिया उसने, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है 4.899 मेरे हिसाब से। चलो अगर इसे हम कर भी लें तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, अगर ये 3/√3 तो हो सकता है, ठीक है। 3/√3 को भी हम अगर रैशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, ये हो जाता 3√3, लेकिन 3/√3 ही होता है, करना ही होता है। क्वेश्चन ही गलत हो रहा है। 3/√3 भी √3 हो जाएगा, तो √3 की वैल्यू हमें चाहिए थी, ठीक है। अब अगर √3 की वैल्यू हमें चाहिए थी तो √3 की वैल्यू हमारी कुछ इस तरह से आ सकती है। अब देख लीजिए जरा, अगर √3 चाह रहा है, √24 की वैल्यू है 0.899, तो √24 को आप क्या लिख सकते हो, कुछ याद है? 8 × 3 लिख सकते हैं, यस और नो? जी सर। और 8 लेकिन ये तो यहाँ पे हम, अच्छा तो 8 का फिर ये क्यूब रूट होना चाहिए भाई, ये कुछ और ही क्वेश्चन बनेगा। तो ये आएगा 2³ √3, 2³ √3, और 2³ √3 की वैल्यू क्या आएगी 4.899। अब जरा इस 2 से डिवाइड करो, 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8 और 2 × 4 = 8, जी नहीं 2 × 4 = 18, 2 × 9 = 18, जी बेटे यही करते रहते और क्या करते। तो ये हमारे पास आएगा क्यूब √3। अब आपसे क्या कह रहा था, बस यही निकाल सकते हैं क्वेश्चन में, तब समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि क्यूब रूट अगर निकलेगा तो उसके लिए फिर दूसरे क्वेश्चन बनेगा। और बोलिए, चलिए क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा, which of the following rational numbers have non-terminating repeating decimal? ये आपसे कह रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटे, रिपीटिंग डेसिमल में एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं, आपके पास 3 तरह के नंबर्स हैं, ठीक है। अगर आप अपने रियल नंबर्स को, सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, डेसिमल में चेंज करते हैं, ठीक है। इसमें 2 चीजें हैं, समझ लो ये एक अच्छा टॉपिक आपका कवर हो जाए। अगर आप रियल नंबर्स को डेसिमल में चेंज करते हो तो 3 तरह के नंबर्स होते हैं। जैसे 1 लिखा हुआ है, उसे तो आप लिख सकते हो 1.0, अगर आपके पास 1/2 लिखा हुआ है तो आप उसे लिख सकते हो 0.5। अगर आपके पास 1/3 लिखा हुआ है तो आप उसे लिख सकते हो 0.3333 या आप इसे कह सकते हो 0.3 बार। और अगर आपके पास लिखा है बेटे √2 और ये होता है आपके पास 1.414325 लाइक दिस एंड सो ऑन। तो ये 3 तरह के नंबर्स आपके पास डेसिमल में आते हैं। 3 तरह के मतलब ये जो पहला वाले 2 हैं इनको आपने सुना होगा, इन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपकी जो कैलकुलेशन है वो खत्म हो गई, ठीक है। दूसरा वाला जो नंबर है बेटा ये वाला, ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसमें जो कैलकुलेशन है वो खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये रिपीटिंग कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसमें जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही। और लास्ट वाला जो है ये भी बेटा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग भी है। इसमें हमें ये भी नहीं पता चलता कि ऑर्डर क्या आ रहा है। तो ये 3 तरह के डेसिमल होते हैं। अच्छा, अब इन 3 तरह के डेसिमल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो पहले वाले हैं ये तो हैं रैशनल नंबर्स। कैसे हैं? रैशनल नंबर्स। और ये वाला जो है ये है इर्रेशनल नंबर, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि इर्रेशनल का तो पता है हमें कि भाई जितने भी इर्रेशनल नंबर्स होंगे वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे। इसे समझ लो टॉपिक को, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं और अभी एक चीज और बहुत अच्छी सी पढ़ेंगे इस पर। तो एक अच्छा टॉपिक आपका आज के लिए इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि क्वेश्चन बनता है डिवीजन वाला, वो देखना है। तो हम क्या कह रहे हैं आपसे कि भाई आपके पास हो गया कि रैशनल का तो पता है, अब बचा क्या रैशनल। अब रैशनल में 2 तरह के नंबर्स हैं कि भाई ये वाले जो हैं शुरू वाले ये है टर्मिनेटिंग और ये वाला है नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है, कौन सा रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो होता क्या है, बस आप इतना सा याद रख लीजिए, ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं। अगर जो q है हमारा उसके फैक्टर्स 2m इंटू 5n है ओनली, टर्मिनेटिंग एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर आपका जो q है डेनोमिनेटर है उसके फैक्टर अगर q 2m 5n है ओनली, तब वो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नहीं। वेयर ये जो आपका mn है ये बेटे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो। मतलब सुन लीजिए, मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है सिर्फ 1 जो हमने लिया था, तो यहाँ अगर मैं डेनोमिनेटर लिखूंगा तो इसमें बेटे 2 भी है और 5 भी है, लेकिन दोनों की पावर 0 है। तो ये जो मैंने आपसे कहा कि m और n 0 हो सकते हैं। अच्छा मैं लिख दूं, नहीं सर मैं तो 1/2 लिख रहा हूँ, तो ठीक है यहाँ पे 2 तो दिया हुआ है लेकिन 5 की पावर कितनी हो गई बेटा 0, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा बेटे। 0.5 पहले वाला भी टर्मिनेटिंग था। अगर बेटे हमारे पास होगा 1/5 तो सर ये भी टर्मिनेटिंग है, क्यों? यहाँ 5 तो है 2 नहीं है, तो 2 की पावर कितनी हो गई 0। आपको पता है ये भी 0.2 होता है। अगर आपके पास मैं कहूँ नहीं सर मेरे पास तो 3/40 है, तो ठीक है 3/40 सर क्या होता है 3/40 होता है 8/5 जा, तो उसके अगर आप फैक्टर्स करेंगे वो भी 2 और 5 की फॉर्म में आएगा। तो जिसमें भी आपके पास डेनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 है वो तो बेटे टर्मिनेटिंग होते हैं, और जिसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे आपसे कह दूं 1/3 या आपसे कह दूं मैं 1/12, तो 1/12 का मतलब 2 तो है यहाँ लेकिन उसके साथ साथ 3 भी है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन है। इसको दोबारा दूसरी चीजों में समझो। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, होता क्या है बेटे, जितने भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं, चाहे वो 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, डेसिमल के बाद कितने भी लंबे नंबर ले लीजिए आप, अगर आप उनका डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में आपके पास 10 की पावर्स आएंगी। ठीक है, आपको पता है उसमें 10 की पावर्स ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। पता है ना ये बात कि जितने भी टर्मिनेटिंग होंगे अगर उनका डेसिमल हटाएंगे तो उनमें नीचे क्या आएगा, या तो 10 आएगा या 10 की पावर्स। 10 के मल्टीपल्स नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना, 10 के पावर्स कह रहा हूँ, यानी कि 10 या 100 या 1000 या 10,000 इस तरह से आना। इसका उल्टा सुनिए, जिसका डेनोमिनेटर 10, 100, 1000 या 10,000 होगा या 10 की पावर्स में होगा, सिर्फ वही टर्मिनेटिंग होगा। तो होता क्या है बेटे, जिसमें नीचे 2 है उसको हम आसानी से 10 बना सकते हैं, बगैर डिवाइड करे भी हम फिर डेसिमल लगा सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 हो जाएगा। अगर किसी में नीचे 5 है तो बेटे उसे भी आप 10 बना सकते हो। मल्टीप्लाई किससे करोगे अब आप, लेकिन अगर किसी में बेटे 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो आप उसे कभी भी जिंदगी में नीचे 10 नहीं बना सकते। अब अगर हमारे पास 2/3 है तो आप बताओ कोई ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करें और ये 10 हो जाए? हाँ भाई बताओ, आवाज आ रही है? नहीं है। Yes. आपके पास बेटे अगर नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो उसे आप 10 नहीं बना सकते। 10 का मतलब क्या है बेटे, जैसे आपने 5/10 लिखा तो अब आप डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप डेसिमल लगा सकते हो। 2/10 लिखा तो आप डेसिमल लगा सकते हो। लेकिन 2/3 करने के बाद आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, नीचे 10 नहीं बनेगा या 10 की पावर्स नहीं बनेगी। ये फर्क है, 10 की पावर्स नहीं आएंगी तो टर्मिनेट नहीं। अब जैसा मैंने अभी एक लिखा था कि सर 3/40, तो 3/40 को भी हम 10 की पावर्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हमें 2 और 5 की पावर इक्वल करनी पड़ती है। 40 का मतलब होता है 8×5 = 40। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 की पावर तो 3 है लेकिन 5 की पावर 1 है। तो इसको 10 करने के लिए मुझे 5 की 2 पावर एक्स्ट्रा चाहिए। 5 की 2 पावर से मल्टीप्लाई कर दो और 5 की 2 पावर से डिवाइड कर दो तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25×3 = 75 और नीचे क्या हो जाएगा, 2 की भी पावर 3 है और 5 की भी पावर 3 है तो शायद 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो बगैर डिवाइड करे आप बता सकते हो कि 3/40 क्या होता है, 0.075 होता है बेटे। कुछ समझ में आया क्या भाई? इस तरह से डिवाइड करना भी सीखेंगे अभी हम। अगर कोई बड़ा नंबर हो तो बगैर डिवीजन के डेसिमल में चेंज करना सीखेंगे अगर वो टर्मिनेटिंग हो। तो ये वजह होती है बेटे, जिसमें नीचे सिर्फ 2 होगा या सिर्फ 5 होगा या सिर्फ दोनों होंगे वो ही टर्मिनेट होगा। अगर उसके अलावा कुछ भी होगा 2, 5 के अलावा तो फिर वो टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे अभी मैंने आपसे 1/5 का, अगर मैं आपसे कह दूं 5/28 तो 5/28 में भी क्या हो रहा है, 7/4 जा हो रहा है तो 2 की पावर 2 × 7 है। और क्योंकि यहाँ 7 आ गया तो इसे 10 में आप बदल नहीं सकते। तो इसका मतलब जब इसका डेसिमल लिखेंगे तो वो अपने आप में नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आएगा। तो पहली चीज तो है पहचान करना। तो जैसे हमसे क्वेश्चन दे रहा था जो आप कह रहे थे, अब शायद आप क्वेश्चन बता सकते हैं। और ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जिसमें नीचे 2 और 5 नहीं है। तो जैसे हमारे पास बेटे ये है 3125, तो अगर आप 3125 की बात करेंगे बेटे, इसके फैक्टर्स लेंगे आप 3125 के तो 5 से करेंगे 625 आएगा, फिर 5 से करेंगे 125 आएगा, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 3125 होता है बेटे 5 की पावर 5, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा अगर आप देखेंगे 17/512, तो 512 का मतलब होता है बेटे 2 की पावर 9, तो इसमें भी सिर्फ 2 ही आया है, तो अगर इसमें सिर्फ 2 आया है तो ये भी बेटे टर्मिनेटिंग है। अच्छा जैसे हमारे पास 23/200 है, तो वो तो पहले से ही दिखाई दे रहा है कि 200 है, ठीक है, उसे तो आप बगैर कुछ सोचे भी 2 into 100 समझ सकते हो, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। तो बचा कौन? 64,455, ये वाला हमारा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। क्यों है? क्योंकि अगर 455 के आप फैक्टर्स करोगे बेटे इसमें 5 के अलावा जरूर कुछ ना कुछ आएगा, 5 9 जा 5 1 जा, तो देखो 13 भी है और 7 भी है, तो आपके पास क्या है 64/5 × 13 × 7, ये आएगा बेटे नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये चीज होती है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें सबसे अच्छी चीज है, आपसे अगर यहाँ कहने लगे, इस तीनों को ही कर सकते हो, आपसे कहने लगे 31/3125 को डेसिमल में चेंज करो, तो अब क्या होगा कि नीचे 4 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट अगर नंबर है बेटे तो उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब डिवाइड करेंगे तो लंबा कैलकुलेशन होगा, तो उसको अब हम इस तरीके से बहुत इजीली डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। मतलब अभी जैसा मैंने लिखा था, मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था 3125 होता है 5 की पावर 5, होता है या नहीं होता? ठीक है। अब आप क्या करो, इसे 10 बनाओ, तो 10 बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 चाहिए। 2 कितने टाइम चाहिए? जितने टाइम 5 है, यानी कि 5 टाइम्स, तो इसका मतलब 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो अब देखो कितना इजी हो गया, ये हो गया बेटा 31 × 32/10 की पावर 5। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 31 × 32 से, वो भी इजी होता है, 32 1 जा 32 होगा, 3 कैरी होगा, 31 32 3 जा 96 होता है, 96 और 3 99। अब वो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 10 की पावर 5, तो आपके आंसर क्या आएगा बेटा 0.000099। देखो इतना इजी है समझ में। तो ये भी होता है कि आपसे कहते। दूसरा ये भी ध्यान रखना, अगर आपसे सिर्फ ये पूछ ले कि कितने डेसिमल प्लेस होंगे, इसे चेंज करेंगे तो कितने डेसिमल प्लेस होंगे, तो डेसिमल प्लेस बेटे हमेशा ग्रेटेस्ट पावर के इक्वल होते हैं, तो यहाँ ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 5, तो देखो हमारे 5 डेसिमल प्लेस आए। चलो एक आंसर दो मुझे, अगर मैं आपसे कहूं कि 17/512 क्या होगा, बताओ जरा, 17/512 का डेसिमल क्या होगा, बताओ कौन बच्चा बताएगा जरा। 9, इसमें बस यही है प्रॉब्लम। नहीं वैसे नंबर बड़ा हो गया होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये है 2 की पावर 9, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 की पावर 9 से बड़ा नंबर आ जाए। चलो तो ये हमारे पास मेथड रहता है। अब जैसा देखो आपसे कहने लगे, एक क्वेश्चन और दिया हुआ, ये देख लेते हैं क्या दिया हुआ था। देखो ये रहा, इजीली आप बता सकते हो, ये भी इसी पे बेस था। बताओ इसका, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 43/5 दिखाओ जरा। Will terminate after 30. How many decimal places? 30. Eh? बस इसमें ही देखना होता है सबसे बड़ी पावर क्या है। तो यहाँ सबसे बड़ी पावर है 2 की पावर 4, तो 4 डेसिमल प्लेसेस। कितने? कुछ नहीं करना इसमें, आपके पास है 43/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। तो आपको 5 की, अगर आपको डेसिमल में चेंज करना है तो एक और 5 चाहिए आपको, तो ये आ जाएगा 43 इंटू 5, 5 3 जा 15, 21, और ये हो जाएगा 10 की पावर 4। तो 10 की 4 प्लेसेस हो जाएंगे 0 के, तो 0.0215। ये तो इसका आंसर है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आपको बस यही देखना है कि 4 प्लेसेस, तो मोर देन 3 डेसिमल प्लेसेस, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, कोई और क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन? पेपर में से सारे हो गए सर। ये जो 28 और 29 क्वेश्चन है, ये देख ली सर, इसका इसमें सी होगा ना ऑप्शन 28 का? ये भी इसी पे बेस्ड है जो अभी आपको बताया है। जी जी जी, ठीक है, अभी आपको बताया है इसी पे बेस्ड है। आपसे कह रहा द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग ओनली। हमसे अभी क्या कह रहा है, हमने अभी किया था कि रैशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, अभी बताया मैंने कितने तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी होता है। तो हमारे पास क्या है? सी ऑप्शन, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसी में जो आप कह रहे थे 29, ये तो आपके लिए नहीं था, है ये तो अलग चीज। ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होता है बेटा, लेकिन ये आपके लिए नहीं। यूक्लिडियन एल्गोरिथम कैन ओनली बी पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, ठीक है। ये तो अलग चीज है, होता तो सबके लिए है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए स्टडी करो। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अगर वो आप लोगों ने किया या नहीं किया, लास्ट वाला क्वेश्चन। जी सर, लास्ट वाला कर लिया सर? नहीं, ये इसमें प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ा सा। तो जो लिखा हुआ बेटे वही करना था, बस जो मेंशन था वो ही करना था। क्या मेंशन था? HCF of 65 and 117 is expressible in this form. तो मुझे तो बस इतना बताइए कि HCF क्या है 65 का और 117 बताओ क्या है? 13 है। वैसे क्या कह रहा है? हाँ, कह रहा है ना कि इसको HCF को उसने ये लिख दिया, क्या लिख दिया? 65 minus 117। आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 117 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 140 जो डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। आ गया जी? जी सर, कुछ करना ही नहीं था इसमें, ये था।